हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, जैसे थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, कि 3 अक्टूबर से पहले वीज़ा आपका नहीं लगेगा। क्यों ऐसा मैंने बोला है? देखिए, बहुत सारे नए वीज़ा जो है यूएई के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। बिना स्पॉन्सर के आप वीज़ा ले सकते हैं, या फिर वीज़ा का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है। जॉब सीकर वीज़ा आ रहा है, ग्रीन वीज़ा आ रहा है, बहुत सारे टाइप्स के वीज़ा हैं। तो ये जो नया पूरा सिस्टम आ रहा है, ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सिस्टम्स जो आपको पता है कि यूएई में वीज़ा से रिलेटेड जो भी है वो अपग्रेड हुए हैं या नई चीज़ें आई हैं। तो ये जो वीज़ाज हैं, नए जो वीज़ाज हैं, वो आपको 3 अक्टूबर से पहले नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी नए टाइप के वीज़ाज हैं, नए सिस्टम के वीज़ाज हैं, वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन डलेगी वो 3 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा, उससे पहले आप लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा के आप भी अप्लाई कर दें, ताकि 3 अक्टूबर को आ जाएगा, 3 अक्टूबर से आने लगेगी। ये जो 3 अक्टूबर का डेट है, ये है नया वीज़ा। जब आप अप्लाई करेंगे, इससे पहले आप लोग नहीं कर सकते हैं, 3 अक्टूबर से ही आपका चालू होगा, ठीक है। तो ये डेट आप लोग याद रखिए, 3 अक्टूबर के बाद आप लोग कभी भी अप्लाई कीजिए, लेकिन उससे पहले आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम में पूरा काम चल रहा है। पहले कुछ और डेट था, फिर अपडेट नहीं हो पाया, तो इन्होंने डेट एक्सटेंड करके 3 अक्टूबर रखा है। तो 3 अक्टूबर से पहले अप्लाई भी मत कीजिए, 3 अक्टूबर आने दीजिए, उसके बाद सिनारियो क्या होता है देखिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि उससे पहले अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई एजेंट आपसे बोलता भी है कि वीज़ा ले लो, ये ले लो, तो यूएई मिनिस्टर्स के तरफ से ही, यानी कि यहाँ के गवर्नमेंट के तरफ से ही ये डेट अनाउंस हुआ है कि 3 अक्टूबर से पहले ये जो सारे कैटेगरीज के वीज़ा हैं ये आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोई अगर बोलता भी है तो उसके बाद पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वीज़ा अभी चालू ही नहीं है, तो वीज़ा वो कहाँ से देगा। 3 अक्टूबर से ही ये सारे वीज़ाज चालू होंगे और आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नॉर्मल विजिट वीज़ा क्या चालू है? तो जी हाँ, नॉर्मल जो विजिट वीज़ा है, जिसमें आके आप लोगों को जॉब सर्च करनी है, वो अभी चालू है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि विजिट वीज़ा में आके आप लोग जॉब सर्च नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं कि जॉब सीकर वीज़ा नहीं अभी चालू हुआ है तो कैसे जाए जॉब सर्च करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, विजिट वीज़ा में आइए आप लोग, आराम से विजिट वीज़ा में आके जॉब सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब सीकर वालों को ही जॉब मिलेगी, विजिट वीज़ा में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो जॉब सीकर वीज़ा आ रहा है उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो हर कोई फुलफिल नहीं करता है, तो क्या वो जॉब सर्च करने नहीं आएगा? तो वो आएगा, वो विजिट वीज़ा में आएगा, जो जैसे नॉर्मल आता है 1 महीने का 3 महीने का विजिट वीज़ा, वैसे ही आएगा, दोनों चालू है। और जॉब सीकर वीज़ा के अंडर में अगर आप आते हैं, उसके टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो अगर वो वीज़ा आप ले सकते हैं। तो गाइज, आपके जितने क्वेरीज थे इससे रिलेटेड आई होप क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो या मुझसे कुछ स्किप हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।